10 marks में क्वेश्चन आता है एक्यूट गेस्ट्रो एंट्राइटिस। व्हाट इज़ एक्यूट गेस्ट्रो एंट्राइटिस? फूड पॉइजनिंग भी इसको कहते हैं। तो डिसीज इज काज बाय द कंज्यूमिंग ऑफ अनहोलसम फूड और ड्रिंक एंड यूजुअली डेवलप विद इन 24 to 48 hours। फंगाई, सर्टेन ट्रॉपिकल फिशेस, केमिकल फूड पॉइजनिंग फ्रॉम कंटेनर एसिड लिक्विड इन चिंक वेसल्स, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिन टाइप कॉज बाय एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंड्स ऑफ फूड हैंडलर्स, इन्फेक्शन बाय साल्मोनेला ग्रुप मे इन्फेक्ट द फूड फ्रॉम एक्सक्रीटा माइस और रेट फ्लाइस और ह्यूमन कैरियर्स। सो बेसिकली अपन देख रहे हैं एक्यूट गेस्ट्रोएंटेराइटिस फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, और ये अपन को 24 से 48 घंटे में इनक्यूबेशन पीरियड इसका हो गया, और फूड एंड ड्रिंक की फूड पॉइजनिंग की वजह से हो जाता है। फंगाई हो गया कुछ केमिकल्स की वजह से, जैसे जिंक वेसल्स में एसिड्स को एसिड लिक्विड को रखने से, या कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होती है जैसे स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस की वजह से, है ना, फूड हैंडलर्स के थ्रू हो जाता है, या साल्मोनेला ग्रुप हो गया। तो ये सारा क्या हो गया, इसके काज हो गए। अब साइन सिम्टम देख लो, तो इसमें क्या होगा, मेनी पीपल अफेक्टेड साइमल्टेनियसली, सीवियरिटी ऑफ अटैक डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पॉइजनिंग, नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, इन सीवियर केसेस प्रोस्टेशन रिहाइड्रेशन एंड कॉलेप्स एक्सेट्रा, स्टूल आर वॉटरी एंड ऑफेंसिव कंटेनिंग अ लिटिल फूड लिटिल ब्लड एंड सम म्यूकस। देखिए यहाँ पे साइन सिम्टम गेस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या मिलेगा आपको, नोजिया वॉमिटिंग तो आपको पता ही होगा, एब्डोमन में पेन, डायरिया, प्रोस्टेशन, डिहाइड्रेशन, कॉलेप्स, और जिस टाइप की पॉइजनिंग होगी उस तरीके का सीवियरिटी होगी, स्टूल जो है वॉटरी होगा, ऑफेंसिव, उसमें कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, कुछ का म्यूकस आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, फूड एग्जामिनेशन कराओ, वॉमिटस का एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इंट्रोसेप्शन, वल्वुलस और कॉलेरा। ट्रीटमेंट क्या दोगे, द रियल डेंजर लाइज इन द रेपिड लॉस ऑफ बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विथ रिजल्ट इन हाइपोएल्बुमिनेमिया, रीनल फेल्यूर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड फाइनली पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेल्यूर। द एम ऑफ ट्रीटमेंट आर टू रेस्ट द डिसीज बावेल, टू करेक्ट द लॉस ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इरेडिकेटेड द कॉज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको मैनेज करना है, ठीक है, हाइपोएल्बुमिनेमिया, रीनल फेल्यूर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन सब कंडीशंस का अपन को ट्रीट करना पड़ेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होगी, एकोनाइट, ग्रीन स्टूल लाइक स्पिनच जैसा, इसमें डायरिया रहता है, कैल्केरिया फोसेस डायरिया विथ मच प्लेटस एंड स्प्लटरिंग, एलोए में क्या रहेगा, पेन अराउंड द नावेल, वॉस प्रेशर, फुलनेस इन द रीजन ऑफ लीवर, पेन अंडर द राइट रिब, एब्डोमन फील फुल, हैवी, हॉट, ब्लॉटेड, ग्रेट अकोमोलेशन ऑफ फ्लेटर्स, ठीक है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, डायरिया ब्रॉट ऑन बाय मेंटल एक्साइटमेंट और इमोशनल डायरिया, जो नर्वस डायरिया होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्सनिक में फूड पॉइजनिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन है, डायरिया फ्रॉम द डिक्योर फूड, ठीक है, और टिनेसमस ये सब देखने को मिलेगा, बेप्टीशिया, कैंस वेलो लिक्विड्स ओनली, वॉमिटिंग ड्यू टू स्पाजम ऑफ इसोफेगस, कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर वाटर, ब्रायोनिया, डायरिया फ्रॉम हॉट वेदर इन द मॉर्निंग एज़ सून एज़ बिगिन टू मूव, कैल्केरिया वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर सॉर एंड अनडाइजेस्टेड स्टूल, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस ड्यूरिंग द डेंटिशन एंड गैस्ट्रिक ट्रबल्स, चाइना डायरिया में भी also be caused by the fruits and worse after eating, crotonic stool, copious watery stool with much urging or always possibly sort out, gushing one sort like diarrhea, ठीक है, डल का मारा, डायरिया फ्रॉम सडन चेंज ऑफ वेदर फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, वार्म टू कोल्ड की वजह से अगर हो रहा है तो डल का मारा, गम्बोजिया, जलसीमियम, ग्रेटियोला, एपिकॉक, जट्रोपा, फॉस्फोरिक एसिड, पोडोफाइलम, पल्सटेलारियम, सल्फर, फेरेट्रम, ये सारी गेस्ट्रोएंटेराइटिस की रेमेडीज हैं।